तो आज हम ऐसे पांच घरेलू आइडिया लेकर आई हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आइडिया है कि जो हम लहसुन प्याज छीलते हैं तो उसमें जो चिक्कल होते हैं तो वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं उनको बाद में उठाते हैं। तो इसके लिए आपको एक कटोरी लेनी है और उसके ऊपर हमें पेपर को रख लेना है और उसके बाद में हमें प्याज लहसुन छीलते हैं तो उसको रख लेना है, ठीक है। फिर हमें दोबारा से इस तरह से लहसुन प्याज को छील लेना है, ठीक है, और इस तरह से इसको पोटली बनाकर फेंक देना है, ठीक है। इससे हमें दोबारा जो हमारे चिक्कल होते हैं वो उठाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम आपको दूसरा आइडिया बताएंगे। यहाँ पर हमारे घर में जो रबड़े होती हैं तो वो रखे रखे चिपकने लगती हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पाउडर लेना है, ठीक है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल लेना है, इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे रबड़े होती हैं तो वो चिपकेंगी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगी। फिर हमें एक छोटा सा बॉक्स लेना है और इसके अंदर कुछ इस तरह से रख लेंगे। तो आप लोग भी इसको घर पे करके जरूर देखें। तीसरा आइडिया हमारा पिन को लेकर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी इतनी सारी पिन है, तो इसमें से हमें छोटी पिन निकालनी है। तो जो हमारी पिन है वो सारी पिनें हमें निकालनी होती हैं, तब जाकर हमें छोटी पिन निकालनी पड़ती है, ठीक है, अगर आपको छोटी पिन जरूरी हो तो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कड़ा लेना है और कड़े में हमें सारी पिन कुछ इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हैं जितनी भी आपके पास पिन हो तो आपको कुछ इस तरह से लगा लेनी है। और आप लोगों को इस वीडियो को फटाफट लाइक भी कर देना है क्योंकि हम अब ऐसे ही वीडियो लाया करूँगी, ठीक है, और सिलाई की वीडियो भी लाया करूँगी। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से सारी पिनों को लगा लिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो पिने हैं, तो आपको कोई भी अगर पिन ज़रूरत हो तो आप ऐसे निकाल सकती हैं, सारी पिनें आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। देखिए आप लोग देख सकते हैं कोई सी भी बड़ी या छोटी, और उसके बाद में आप इस तरह से दोबारा से भी लगा सकती हैं। तो आप ये आइडिया ज़रूर करके देखें। अब हम यहाँ पर चौथे आइडिया की तरफ चलते हैं। तो चौथा हमारा आइडिया है माचिस को लेकर। तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो जो हमारी माचिसें होती हैं तो वो खराब हो जाती है, सेलन आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा डिब्बा लेना है और इसके अंदर हम कुछ इस तरह से माचिस को रख लेंगे, तो इस तरह से हमारी जो माचिस है वो खराब भी नहीं होगी। और उसके बाद में आपको निकाल के इस तरह से माचिस जला सकती हैं, ठीक है, और दोबारा से रख के अच्छे से ढक्कन लगाकर इसको रख सकती हैं, इससे हमारी जो माचिस है वो खराब भी नहीं होगी। और पांचवा आइडिया हमारा मिर्च को लेकर है। तो हमारी जो मिर्च होती है तो हम इसको काटते हैं तो हमारे जो हाथों में जलन होने लगती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारी मिर्च है इनकी डंडी पहले निकाल लेनी है, फिर इस तरह से हमें कांटे वाला एक चम्मच लेना है, ठीक है, और इसके अंदर हमें कुछ इस तरह से इसको लगा लेना है, तीन या चार आंच को इस तरह से मिर्च को लगा लेना है, ठीक है। और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कैंची की मदद से कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी मिर्च है वो अच्छे से कट भी जाएंगी और जल्दी भी कटेंगी। देखिए आप लोग देख सकते हैं और हाथों में जलन भी नहीं होगी। तो आपको ये पांच आइडिया में से कौन सा सबसे अच्छा आइडिया लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारी कितनी आसानी से मिर्च कट चुकी हैं। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।